प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा फोकस यूपी पर केंद्रित हो गया है। 16 दिसंबर को नरेंद्र मोदी कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री का जहां निरीक्षण करेंगे, वहीं तमाम सारे रेल कोचों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर भी वो हमलावर होंगे। आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस लगातार उपेक्षित व्यवहार करती रही है। इसके अलावा 16 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा 29 दिसंबर को नरेंद्र मोदी गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी, लखनऊ।